तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की मैच के बारे में। भारत ने वेस्ट इंडीज को 189 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने वेस्ट इंडीज के सामने 189 रन का लक्ष्य रखा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 188 रन बनाए। टीम इंडिया की आर से शिरीष अय्यर ने सबसे ज़्यादा 64 रन की पारी खेली। वहीं दीपक हुड्डा ने 38 रन और कप्तान हार्दिक पांडे ने 28 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव यह मैच नहीं खेल रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत ही खराब रही। ईशान किशन 11 रन बनाकर आउट हुई। वहीं शेष अय्यर और दीपक हुड्डा ने दूसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी निभाई। दीपक हुड्डा 25 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुई। अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। शिरीष अय्यर ने 7वें अर्धशतक लगाया। वह 44 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुई। संजू सैमसन 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुई। वहीं दिनेश कार्तिक 9 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुई। अक्षय पटेल 7 गेंदों में 12 रन और कप्तान हार्दिक पांडे 16 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुई। अपनी पारी में हार्दिक ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। वेस्ट इंडीज के आर से अडियन स्मिथ ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। वहीं जेसन होल्डर, ड्रेक्स और हेडल वॉल्स ने 1-1 विकेट लिया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।